मेरे मोबाइल नंबर पर धमकी आया है, जान मार देने की और देख लेने की धमकी है, चुप रहने की धमकी है। इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरा राष्ट्रवाद का जो यज्ञ है वो चलता रहेगा। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले दिनों नमाज को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, बिहार में भी सड़कों पर नमाज बंद होनी चाहिए। अब इसको लेकर लगातार ये मामला प्रकाश में आया तो हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भाजपा के विधायक हैं, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, उनको विदेशी नंबरों से कॉल आया है और जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके बाद विधायक ने कहा है कि हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम जिस एजेंडे पर चल रहे हैं, जिस बात को रख रहे हैं, उस बात को मजबूती से आगे भी रखेंगे। आप वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। 7:07 पर कल मेरे मोबाइल नंबर पर धमकी आया है, जान मार देने की और देख लेने की धमकी है, चुप रहने की धमकी है। चूंकि मैं जो विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, तो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसके विरुद्ध मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। और हाल ही में हरियाणा सरकार जो नमाज पर प्रतिबंध लगाई, उस पर मैंने मांग किया कि बिहार में भी चूँकि कारोबारियों को और अन्य लोगों को कठिनाई होती है, इसी पर मुझे धमकी दिया गया है। मैं अभी सचिवालय थाना में इसकी लिखित सूचना भी दे रहा हूं। साथ ही उसी समय दीनानाथ यादव सप्ताह में मेरे विधानसभा में, उनका दुकान भी जिहादियों के द्वारा लूट लिया गया है। इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरा राष्ट्रवाद का जो यज्ञ है वो चलता रहेगा और इन लोगों का मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। क्या बोला गया जब फोन आया आपको? देख लेने की, चुप रहने की, मार देने की धमकी आया। क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे, 42 सेकंड बोला है। नंबर है +14 24 25 45 6 7 9। इस नंबर पे अब आगे क्या करेंगे आप? अभी हम सचिवालय थाना में जाकर के लिखित इसकी सूचना दे रहे हैं। तो लगता है कि आप जो ये लगातार बयानबाजी करते हैं कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस तरह के मेरे जो सच्चाई का बयान है, मेरे मुंह को धमकी से बंद करना चाहता है, किधर भमकी से हम डरने वाले हैं? बिल्कुल कायम है, 100% कायम है, 100% कायम है। सड़क पर का नमाज बंद होना चाहिए। ये विधायक भी कहीं, ये आपके विधानसभा के जो पूर्व विधायक रहे उनका काम तो नहीं है? अब ये तो जांच का विषय है। क्योंकि आप नहीं, ये नंबर है, कौन करवा रहे हैं ये, मैं किसी पर आरोप, प्रशासन जांच करेगी। नहीं, समर्थक का, दीनानाथ यादव समर्थक है हमारे, समर्थक का। भरपाई अब देखते हैं, देखते हैं, हम अभी तुरंत वहीं निकलने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने उस अननोन नंबर की जानकारी भी दी है और सचिवालय थाना में वो केस दर्ज कराने जा रहे हैं। उन पर इस तरह की बातें को लेकर लगातार कॉल्स आते रहते हैं और ऐसे में एक बयान उन्होंने दिया, उसके बाद अब लगातार कॉल आ रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कही जा रही है कि आप इस मुद्दे को लेकर कुछ ना बोले, चुप रहें। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम लोग जिस विचारधारा पे चलते हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं सड़कों पर नमाज को लेकर, ऐसे में सड़कों पर नमाज बंद हो जानी चाहिए और आगे भी वो इस तरीके का बयान देते रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मामला लोगों से जुड़ा हुआ है और लोगों से, जन सरकार से जुड़े हुए जो मामले हैं उस मामले पर हम बोलेंगे। साथ ही साथ उनके क्षेत्र में उनके एक समर्थक की दुकान भी लूट ली गई है, जिस मामले को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिहादियों ने उसी दिन उनके समर्थकों की दुकान लूट ली है। तो देखने वाली बात यह होगी कि हरिभूषण ठाकुर बचौल आज कंप्लेन करने जा रहे हैं, क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।